हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज मैं आप सबको बताऊंगी कि कैसे हम चौड़ी पट्टी वाले गले पर कम चौड़े वाली बुकरम लगा सकते हैं या गला लगा सकते हैं। तो देखिए, मैंने अपनी जो कपड़ा है उसे मैंने ज़्यादा कट किया है शोल्डर में, और जो मेरी लाइनिंग है उसे मैंने कम कट की है। ठीक है, आप किसी भी तरीके की बड़ा चौड़ाई वाले गले पर से कट कर सकते हैं। तो देखिए मैंने कैसे कट किया है। तो देखिए, ये मेरा फ्रंट वाला कुर्ती का हिस्सा है जिसका ऐसे गला बना हुआ है, और ये चौड़ा गला है। तो जो ऊपर वाला पीस, यानी कि दूसरा पीस, चाहे आप इसकी लाइनिंग रख रही हैं या फिर कुर्ती का दूसरा पीस बैक पार्ट रख रही हैं, तो वो देखिए ऊपर गले से उसमें गैप रखिएगा। उन्हें पूरा जो है इक्वल नहीं रखना है, और गले से नीचे उन्हें एक इक्वल, बिल्कुल ही इक्वल रखना है। फिर ऐसे साइड में हम लोग जो है अपने आर्म होल और शोल्डर का निशान लगा कर वहाँ से जो है उसे कट कर लेंगे, तो वो इक्वल आएगा। और जो अभी निशान लगाया है, वो निशान हम इसलिए लगाते हैं ताकि हमें पता रहे कि हमने जो है कितना अपना यहाँ से जो है बैक पोर्शन या लाइनिंग वाले शोल्डर को इससे कम लिया है कुर्ती वाले से। तो देखिए, यहाँ पर हल्का हल्का निशान आपको नज़र आ रहा होगा। तो देखिए, मैं अभी इसको डार्क कर देती हूँ। तो देखिए, मैंने इसे डार्क कर दिया है। अब हम लोग इसके ऊपर अपनी जो है सिलाई चलाएँगे। सिलाई चलाने से क्या होगा कि फिर हमारा जो ये शोल्डर है वो हमारी लाइनिंग और जो बैक पोर्शन हमने कट की है उसके इक्वल हो जाएगा। देखिए, हमारा ये जो शोल्डर है यहाँ से अभी कम हो गया है, यहाँ से जो हमारा जो तीरा है शोल्डर का पोर्शन है वो कम हो गया है। देखिए, इसके ऊपर मैं आपको रख के दिखाती हूँ लाइनिंग वाले कपड़े के। तो ये देखिए बिल्कुल इक्वल हो गए हैं। मैंने ऐसे अपना जो शोल्डर है वो कट किए थे। तो अभी देखिए, हमारा जो गला है और जो इसका वर्क है वो इसके अंदर वाली साइड आ रहा है। अब जो हमारा गैप आ रहा है वो देखिए ऊपर और नीचे हर जगह जो है इक्वल आएगा। पहले क्या था, नीचे जो हमारा वर्क था वो थोड़ा कम था, मतलब जो स्पेस आ रहा था गले के पास, और ऊपर की साइड क्या था वो ज़्यादा था। देखिए, इसमें नीचे जो है स्पेस है, हम लोग चाहते तो और ज़्यादा कम कर सकते थे, बट फिर यहाँ देखिए नीचे गोलाई वाले पोर्शन में इशू आ जाता है। ठीक है, तो इसलिए, और वो देखिए नीचे जो ये खाली जगह है, फिर इसमें जो है यहाँ पर कैप बन जाता है, यहाँ पर जो फ्रिल बन जाता है वो दिखाई देता है। इसलिए हमने इसे ज़्यादा नीचे की तरफ नहीं लिया, सिर्फ जहाँ तक हमें करना था अपने गले को छोटा, ठीक है, वहीं तक हम लोगों ने जो है सिलाई को लगाया था। उसके बाद देखिए, अब हम लोग अपना यहाँ पर पहले बड़े टाकों वाली सिलाई चला कर लाइनिंग और अपने कुर्ती के कपड़े को देखिए ऐसे दोनों को जॉइंट कर लेंगे। उसके बाद देखिए, आप लोग चाहे तो ऐसे शोल्डर भी जॉइंट कर सकते हैं, बट मैं हमेशा जो है नीडल की हेल्प लेती हूँ, फिर सुई की मदद लेती हूँ। और सुई भी फ्रेंड्स, मैं कोई वैसी सुई मैंने अलग से नहीं ली है, मैं जो हमारी कई बार क्या होता है, ये जो सुई इनकी ख़राब हो जाती है, नोक ख़राब हो जाती है ना आगे से नीडल की सुई की, तो मैं वही यूज़ करती हूँ। उसके बाद देखिए, जो उसका जो हमारा सेंटर है कुर्ती का वो बना हुआ है, क्योंकि वहाँ पर सिलाई लगी है, तो हमने ऐसे अपने गले का सेंटर बनाया और सेंटर पे सेंटर लगाएंगे। आप लोग देखिए ऐसे सीधी सिलाई लगाकर और फिर गले की साइडों में भी जो है सिलाई लगा सकते हैं, पर मैं देखिए मैंने बोला कि मैं सिलाई कम लगाती हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पर सुई पिन की हेल्प से जो है मैंने इसे सेट कर लिया है, और ऐसे ही एक पिन मैं यहाँ साइड में भी लगा लूँगी। अब देखिए, मेरा जो गला है वो सेट हो गया है, और अब मैं इसके ऊपर जो अपनी सिलाई लगाकर आप लोग को दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा जो गैप है वो हर तरफ से जो है इक्वल है। देखिए फ्रेंड्स, अब आपको अगर ये डाउट रहेगा कि गला चौड़ा था तो वो ऊपर की तरफ से चौड़ा हो जाएगा, तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि इसमें हमारी जो बुकरम लगी है, ठीक है, वो उसको वापस उसी की जगह पर कर देगी। देखिए, अब हमारा जो गैप है वो बिल्कुल इक्वल है। ठीक है, पहले ये ज़्यादा चौड़ा था तो अब ये थोड़ा कम चौड़ा हो गया है। आप लोग चाहें तो इसको बिल्कुल भी कम कर सकते हैं, बट उसके लिए आप लोग को ध्यान रखना पड़ेगा कि नीचे जैसे देखिए मेरा सेंटर में क्या है, वहाँ पर ओपन स्पेस है, तो ओपन स्पेस नहीं होना चाहिए, पूरे में कढ़ाई होनी चाहिए। थैंक यू।